सहना सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नितमस्तो मिषा ओम ओ शांति शांति वेदो अखिलो धर्म मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सब आर्यों का श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के आठवें सूक्त के मंत्रों का हमने स्वाध्याय किया आज हम नौवें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर सारगर्भित जीवन को रोमांचित कर देने वाले जीवन को दिव्यता भव्यता से परिपूर्ण करने वाले ये मंत्र हमको पद पद में मतलब एक प्रकार से ये कहें कि हर क्षण उल्लास से परिपूर्ण करने वाले हैं हम कदम अपने दिव्यता की ओर बढ़ाएं जिससे अपने और इस संसार के लोगों का अतिशय कल्याण कर सकें मनुष्य जीवन तभी श्रेष्ठ बन पाता है जब हम किसी के काम आए दीन दुखियों की पीड़ा हरें हम स्वयं अपना आत्म कल्याण करते हुए इस संसार को भी सत पथ पर जो सनमार्ग है इस मार्ग में आगे बढ़ाने का कार्य करें उनको आगे सतत बढ़ने का पुरुषार्थ उनको सिखाएं ऐसा कौन कर सकता है वास्तव में जो वेदों का स्वाध्याय करने वाला है स्वाध्याय शील व्यक्ति कभी निराशा में नहीं रहता कभी उसको हताशा नहीं आती है कभी वह विचलित नहीं होता है इसलिए स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए उपनिषदों में बार बार इस बात को कहा स्वाध्यायान मा प्रमितव्यम अर्थात स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए दर्शनों में भी और हमारे सभी ग्रंथों में स्वाध्याय की अत्यंत महिमा गाई है और वास्तव में जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है सत्संग करता है तो सत्संग से ही उसका जीवन चमन बन जाता है वह कंचन बन जाता है वह स्वर्ण जैसा कीमती हो जाता है कुंदन बन जाता है इसलिए हम वेदों के स्वाध्याय में सतत संलग्न रहें इससे विमुख कभी ना हो नवे सूक्त के प्रथम मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है ओम अग्नि मृणा महा असी ये ईमा देवयुम जनम ये था बरहिरा सदम ये यहाँ पर भाव आया कि प्रभु पूजन के द्वारा मैं अशुभ वृत्तियों से बचता हूँ और दिव्य वृत्ति वाला बन करके मैं प्रभु को अपने हृदय आसन पर बिठाता हूँ अत्यंत महिनीय उपदेश है कि प्रभु पूजन के द्वारा मैं अशुभ वृत्तियों का जो है शमन करता हूँ पूजा क्या है तो पूजा है यथा योग सत्कार करना यथा योग्य जैसा उस प्रभु का आदेश निर्देश है वैसे ही सुकर्मों में लगा करके अपने को रखना यही उसकी पूजा है ये बात ठीक है कि वातावरण को शुद्ध करने के लिए अपने मन और तन की पवित्रता के लिए हम जो भी पूजा अर्चना करते हैं जो भी परिपाटी चलती हैं वो तो ठीक है अपने सार्वभौमिकता के लिए उनको हम जो है इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो वह भी एक पावनी परंपरा है और जैसा आपने कहा कि जो भी पूजा की पद्धतियाँ हैं संसार में अपने अपने दृष्टिकोण से लोगों ने उनको बनाई हैं, और देश समाज को जोड़ने का भी एक काम होता है तो पूजा का वास्तविक जो अर्थ है वास्तव में इसको जो धारण करने की बात है तो पूजा का यही है कि जैसा माता पिता गुरु आचार्य हमारे हमको उपदेश देते हैं वैसे आचरण से हम जब जीवन जीते हैं तो उनकी पूजा हो जाती है पूजा का तात्पर्य केवल आरती उतारना नहीं पूजा का मतलब केवल घंटी बजाना नहीं केवल दीपक जलाना नहीं और जो है कंठी फेरना नहीं है उसका भाग हो सकता है जो लोग करते हैं उनका हमको आदर करना चाहिए परंतु पूजा तो वास्तव में वही है जिस परमात्मा ने इस जहान को इस जगत को इस जीवन को दिया है और जैसा उसने संविधान बनाया है विधान बनाया है हमको आज्ञा दी है कि ऐसे जीवन को जीना वैसे जीवन को जीते हुए शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते रहना यही उसकी पूजा है तो ऐसी पूजा जो करता है वह अशुभ वृत्तियों से दूर हट जाता है मा गृधा कस्य स्विधनम तो ये जो तेन त्यक तेन भुंजी था ये छोटे छोटे जो उपदेश हैं और इनका जो उपदेश का जो पालन करता है वास्तव में वही अशुभ वृत्ति से बचता है तो हम अशुभ वृत्ति से बचें वहीं पर दूसरे मंत्र में भी ये बात बहुत सुंदर कही है ओम साषीषु दुर्भो विक्षु प्राविमृत्य दूतो तो विश्ववेशा इस मंत्र में ये कहा कि हृदयस्थ प्रभु हमें काम क्रोध आदि का शिकार नहीं होने देते जब हमारे मन मंदिर में उस परमात्मा का निवास है और सबके पास है वह कभी किसी से दूर नहीं है तदे जति तन्ने जति तद दूर तदवंत के तद, तद अंतर से सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य से बाह्यता वह निकट से निकट है और दूर से दूर है जो लोग अपने अंतःकरण में उसको खोजते हैं वो अंतःकरण मिलता है और जो लोग उसको मानते नहीं हैं इधर उधर भटकते रहते हैं तो यह उचित नहीं है क्योंकि जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और इतनी वो सुगंधित होती उसकी सुगंध वो पूरे जंगल में खोजता रहता है कि कहाँ से ये सुगंध आ रही है और है उसकी नाभि में ऐसे ही परमात्मा घटघट का वासी है वह कणकण में विद्यमान है हमारे हृदय में है फिर भी हम उसको इधर उधर ढूंढते रहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढत बन माई कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन दुनिया देखत नाही रे दुनिया देखत नाही तो हम अपने अंदर उसको खोजें बाहर जाने की उसको जरूरत नहीं है हम कणकण में उसको बसा हुआ देखें तो चाहे कोई भी हो हम उससे लगन जब लगाते हैं तो उसकी कृपा के हम पात्र बन जाते हैं और हमारा यह स्वभाव हमारा यह जीवन अत्यंत महनी हो जाता है और इस प्रकार से जो सदा सर्वदा इस हृदय स्थल में हृदयस्थ परमात्मा का अनुभव करता है तो आनंद में रहता है किसी भी दृष्टि में चाहे सुख हो दुख हो मान हो अपमान हो कभी वो गम में नहीं रहता वो हमेशा सम अवस्था में रहता है इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान करूँ कैसे पूजन भगवान नहीं मुझको पूजा का ज्ञान कर पूजा दुनिया के लोग लगाते तुम्हें प्रेम से भोग चढ़ाते पुष्प पत्र पकवान करूं कैसे पूजन भगवान न मेरे मन में ऐसा चाव न ऐसी पूजा का ही भाव चाहूं मैं पूजा एक महान करूं कैसे पूजन भगवान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आली शान हमारी पूजा की जो टेक निराली है दुनिया में एक हमारी पूजन की जो टेक निराली है दुनिया में एक हृदय दो का है एक मिलान करें कैसे पूजन भगवान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आली शान उसी की लगी हुई है चाह न दूजी पूजा की परवाह उसी की लगी है पूजा की चाह न दूजी पूजा की परवाह मगर मैं हूँ उससे अनजान करूँ कैसे पूजन भगवान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तुम्ही बता दो उसका भेद मिट जाए मेरे मन का खेद तुम्ही बता दो उसका भेद मिट जाए मेरे मन का खेद गोपाल तुम्हारा गान करू कैसे पूजन भगवान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तो ये पूजन का जो सबसे सुंदर पवित्र स्थान वो क्या है हमारा हृदय है तो हम जब अपने हृदयस्थ प्रभु में लगन लगाते हैं तो वह प्रभु हमको काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट इससे हमको दूर रखता है नहीं तो ये मानव जीवन छोटी छोटी बातों में दुखी होता है छोटी छोटी बातों में परस्पर मित्रता में परस्पर व्यवहार में कुंठित होता रहता है और जब कुंठित हो जाता है तो उसको फिर दबाव तनाव आ जाता है फिर उसको हाइपर टेंशन आ जाती है और फिर वो जो नहीं करना चाहिए उधर वह बढ़ जाता है और वह कर देता है जिससे स्वयं की हानि होती है समाज संस्थान घर परिवार की हानि होती है इसलिए इससे बचने का उपाय क्या है कि हम प्रभु को मन में बसा करके मन मंदिर में बिठा करके उसका पूजन करें अर्चन करें तो हम काम क्रोध के शिकार नहीं होंगे हमें जान का संदेश वे प्रभु देते हैं और इसी प्रकार से तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है ओम स सदमा परिणीयता ये कहा कि वे प्रभु सदमा शरीर रूपी गृह में परिणीय प्राप्त कराए जाते हैं उपासक प्रभु को अपने हृदय आसन पर बिठाने का प्रयत्न करते हैं वे प्रभु होता अर्थात सब कुछ देने वाले हो दाना दान यो हो होता है ना तो वो सब कुछ अदन करने वाले सब कुछ देने वाले जैसे माता पिता पूरे जीवन की जो कमाई होती है खून पसीने की कमाई होती है किसको मिल जाती है बच्चों को मिल जाती है संतानों को मिल जाती सब कुछ दे देते कुछ भी बचा करके नहीं रखते ऐसे ही वह जो सबका पिता है परम पिता परमेश्वर जो जगत जननी जगत माता है वह सब कुछ हमको दे देते हैं सब कुछ दे देता है ईश्वर हम कुछ भी संसार में जो कुछ भी पाते हैं उसी की कृपा दृष्टि होती है, अर्थात हम उसके कृपा पात्र बन जाते हैं यदि हम उसको अपने हृदय स्थान में बिठाते हैं और कहा कि मंद्रहा आनंदमय है वह क्या है आनंद में संसार का जो दीपित्व है अर्थात सुख है तो दुख है लोग मजा लेते हैं तो सजा लेने के लिए भी तैयार रहें लेकिन आनंद में इसका कोई विलोम शब्द नहीं उल्टा शब्द नहीं आनंद से परमानंद हो जाएगा लेकिन आनंद का कोई उल्टा विलोम शब्द नहीं आनंद सदा आनंद आनंद परमानंद हो जाए तो ऐसा हम कर्म करें कि हम आनंदित हों और परमानंद की प्राप्ति करें वो तो विष्टिशु जान की प्रेरणाओं से के होने पर पोता हमारे जीवनों को पवित्र करने पवने तो पवित्र करते हुए निशीदती वे प्रभु हमारे में आसीन होते हैं जो देवत्व के गुणों से व्यक्ति होता है उसी में प्रभु का निवास होता है और इतनी तो हमको भी समझ होती है कि हमको कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना तो समझदार व्यक्ति कीचड़ में नहीं बैठेगा गंदगी में नहीं बैठेगा जो साफ सुथरा स्थान वहीं बैठेगा तो हम अपने मन को क्या बनाए निर्मल बनाए अपने हृदय को निर्मलता से शुचिता से पवित्रता से युक्त करें कैसे होगा जान से होगा स्वाध्याय से होगा सत्संग से होगा और इस प्रकार से जो सत्संग से और ऐसे जीवन को जिएगा निसंदेह उसी का जीवन सुंदर बनता है उपासक का कार्य यह है कि प्रभु को शरीर गृह में प्राप्त कराए प्रभु का हृदय में ध्यान करे प्रभु इसे जान की प्रेरणा दे करके पवित्र जीवन वाला बनाते हैं पवित्रता अत्यंत आवश्यक है जब तक पवित्रता हमारे जीवन में नहीं आएगी हम कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करेंगे यदि थोड़ी सी भी कमी है तो कमी है तो फिर जो है हम उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं हम पावन नहीं बन पाते इसलिए प्रार्थना हम, हम बार बार गाते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो कोई दोष मुझ में रहने न पाए कोई दोष न रहे इसलिए सत्संग का लाभ अत्यंत त्वरित मिलता है तुरंत संतों का संग नाम संगति सत्संगति कथ्यते तो यह सत्संगति में रह करके के जीवन की प्रगति होती दुर्गति से हम बच जाते हैं तो इस प्रकार से पापों से बचा करके जीवन यज्ञ को चलाते हुए प्रभु सत्संग स्वाध्याय यह अत्यंत आवश्यक है एक वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ चौथा वेद मंत्र प्रभु किस किस रूप में हमारी रक्षा करता है किस किस रूप में हमारे अंग संग होता है अत्यंत महत्वपूर्ण यह मंत्र है मैं आपके समक्ष लिखता हूँ बहुत छोटा मंत्र है इसको स्मरण भी कर लेना चाहिए ओम ताग्ना अग्निर धरा उतो गृहपतिर्दमे गृहपतिर्दमे उत ब्रह्म नि उत ब्रह्म निषीदति चौथे मंडल का यह नवे सूक्त का चौथा मंत्र है बहुत सुंदर भाव है वेद मंत्र का उतग्ना उतना अग्निराध्वरा गृहपतिर्दमे उत ब्रह्मा निषीदती उतग्ना अग्ना अग्निरत्ध्वरा, उतो गृहपतिर्दमे उत ब्रह्मा निषीदती बहुत सुंदर बात कही है और उत और अग्नि वे अग्रणी प्रभो अग्नि अग्रणी भवती अग्नि का सबसे बड़ा गुण क्या है कि अग्नि अंगम सम्मनाया अर्थात अपने अंग में जिसको लेती है उसको वैसा ही बना देती है जैसा वह स्वयं होती है अग्नि में आप कुछ भी डालें लोहा डालें सोना डालें चांदी डालें लकड़ी डालें जो भी आप डालेंगे उसको वैसा ही स्वरूप दे देती वैसे आग जैसा बना अपने जैसा बना देती है अपना स्वरूप दे देती है उसको ऐसे ही परम पिता परमेश्वर की सन्निधि में उनकी जो में रहते हैं गुरुओं की जो छत्र में रहते हैं उनको वैसा ही बनना पड़ता है और बन जाते हैं ये भी कृपा दृष्टि ही होती है प्रभु की तो प्रभु अग्नि के रूप में हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं हमको अग्निमय बना देते हैं अर्थात अग्नि सब कुछ जो डालते हैं अपने जैसा बनाती दूसरा सबसे बड़ा गुण क्या है जो भी उसमें जो है जो ठीक चीजें नहीं है दूषित चीजें हैं उनको डालने से उनको जला करके भस्म कर देती है पवित्रता से युक्त कर देती है कोई भी वस्तु यदि दूषित है कोई बर्तन दूषित है तो उसमें अग्निम डालने से वह पवित्र हो जाता है उसका दूषण समाप्त हो जाता है ऐसे ही जो ज्ञानी है जो धीर गंभीर विद्वान है जो परमात्मा की वाणी वेद वाणी को पढ़ते हैं समझते हैं जानते हैं उनके अंदर दोषों का शमन हो जाता है अपने दोषों को भस्म कर देते हैं जला देते हैं यह अग्नि का गुण है और यह सामर्थ्य कैसे मिलता है उस परमात्मा से मिलता है तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष उनको छू भी नहीं सकता वो सब जल करके भस्म हो जाते हैं वासनाएं है जल करके के भस्म हो जाती हैं दग्ध बीज हो जाते हैं कुसंस्कार और कहा इस जीवन यज्ञ में इस जीवन यज्ञ में ग कहा कि द्वंद्वसी वही ग्नाहा ही स्वर्गम लोकम गच्छन्ति छंदों के रूप में होते हैं इन छंदों के रूप में प्रेरणा को देकर वे हमें पापों से बचाते हैं हम पाप से बच जाते हैं पापों से मुक्त हो जाते हैं और उत ऊ और निश्चय से वे प्रभु दमे इस शरीर गृह में गृहपति ही गृहपति हैं प्रभु के द्वारा ही सब क्रियाओं की व्यवस्था हो रही है कितना सुंदर संसार बनाया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे जैसा बाहर हम ज्ञान विज्ञान देख रहे हैं अद्भुत संसार है वो अंदर भी है अंदर भी सारी एक सृष्टि चल रही है एक प्रकार से कितनी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है हम खाते हैं रोटी और बन जाता है खून रोटी खाएंगे ऐसी संसार में कोई मशीन है कोई फैक्ट्री है क्या कि फल फूल खाए मेवा मिष्ठान खाए और वह रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्रवीर में बदल जाए कितना प्रोसेस है कितने प्रकार से वह कार्य होता है ये संसार का अद्भुत चमत्कार है उस प्रभु के द्वारा जो चल रहा है कितने प्रकार से हम ठोस खाते हैं और रस बनता है कितना स्वयं कभी विचार करें और उसमें कितने प्रकार की व्यवस्थाएं रखी हैं अगर फैक्ट्री छोटी सी भी लगानी पड़ती है तो कई किलोमीटर की जो है यात्रा करनी पड़ती है एक फैक्ट्री के लिए तो ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है किसकी कृपा दृष्टि है उस परमपिता परमेश्वर की है आँखों से देखना कसना से बोलना कोई भी कितना सुंदर बोलता है वाणी किसी किसी को कितनी सुंदर अद्भुत कोई मशीन कोई फिट नहीं है और फिर भी वाणी बोलती है कान सुनते हैं रसना चखती है कितनी संवेदनशीलता है मस्तिष्क क्या क्या विचार करता है और क्या क्या व्यक्ति बनाता है हृदय कितने जो है लीटर रक्त को परिशुद्ध करता है पूरे शरीर में पहुंचाता है एक क्षण भी शांत नहीं बैठता जब से जन्म होता है मृत्यु पर्यंत स्वास्थ्य कभी रुकती नहीं हृदय कभी रुकता नहीं और वो सतत चलते रहते चलते रहते हैं अगर परमात्मा इस व्यवस्था को ना अपने हाथ में ले तो मनुष्य जीवन चल नहीं सकता मनुष्य का कोई भी जीव नहीं चल सकता है थोड़ी सी नाराज़गी हो जाए बोले हम श्वास नहीं लेंगे थोड़ी सी नाराजगी घर में झगड़ा बोले हम हृदय नहीं धड़काएंगे अब राम नाम सत्य होगा उसी समय तो कितनी गजब की व्यवस्था कर रखी है चाहे कोई नाराज हो चाहे कुछ भी हो श्वास तो लेनी पड़ती है और लेना मतलब स्वयं ये प्रक्रिया चल रही है ऐसा अद्भुत जो सामर्थ्य उस परमात्मा ने दिया है तो वह गृहपति हैं अर्थात इस घर के स्वामी हैं वो जैसा चला रहे हैं वैसा हम चल रहे हैं सारा संसार वो चला रहे हैं कण में वही समाये हुए हैं इसलिए इस बात को हमको समझना चाहिए और कहा कि प्रभु सब क्रियाओं को कराने वाले हैं इसको कोई उल्टा ना समझ ले कि फिर कहीं चोरी भी करना विचार भ्रष्टाचार दुराचार अन्याय जो है हिंसा करना पाप करना ये जो ये भी परमात्मा करा रहा ना ऐसा उल्टा नहीं समझ लेना क्योंकि जो जीव है जो मनुष्य जन्म है वह कर्म प्रधान जीवन है कर्म प्रधान योनि है भोग भी है और कर्म भी है इसलिए कितना अद्भुत इसको बनाया है सारी सत्ता व्यवस्था को चला रहा है उत और ब्रह्मा सब वेदों का जानवाणियों का दान देने वाला है निशीदति हमारे हृदयों में निशरणा होते हैं अर्थात प्रभु ही हमें पापों से बचा करके के जीवन यज्ञ को चलाते हैं और प्रभु ही हमारे रक्षक हैं वे ही जान देने वाले हैं तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा तू ही तू ही है रक्षक हमारा तू ही तू ही है रक्षक हमारा तो कितना भी विकट संकट हो हम उसको कभी भुलाए नहीं वो हमारी शक्ति को बढ़ाने वाला है आए संकट घने चाहे शत्रु बने सब जमाना उस प्रभु को कभी ना भुलाना उस प्रभु को कभी ना भुलाना वो है अपना तो संसार अपना वह न अपना तो कोई न अपना बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना उस प्रभु को कभी ना भुलाना उस प्रभु को कभी ना भुलाना ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः